इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने तमाम तर्ज के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। खेलों की वेबसाइट क्रिकेट इंफो की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली ने डेली मेल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं इस वक्त 37 साल का हूं, रवामा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए मुझे मुंतखब नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि नए आने वाले खिलाड़ियों को मौका मिले और मुझे पहले ही बता दिया गया था कि मैं इंग्लैंड के लिए बहुत क्रिकेट खेल चुका हूँ, लिहाजा मुझे महसूस हुआ कि यही दुरुस्त वक्त है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली जाए। 2014 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले मोइन अली ने बतौर ऑलराउंडर 68 टेस्ट, 138 वनडे और 92 टी20 इंटरनेशनल खेले। इन्होंने आखिरी बार टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की थी। इन्होंने इंग्लैंड के लिए तमाम फॉर्मेट्स में 6678 रन बनाए, जिसमें 8 सेंचुरियां, 228 निफ सेंचुरियां शामिल हैं, जबकि इन्होंने 366 विकेटें भी हासिल की। मोइन अली का कहना था कि मुझे इंग्लैंड की नुमाइंदगी करने पर फख्र है। जब आप पहली बार इंग्लैंड के लिए खेलते हैं तो आपको नहीं मालूम होता कि आप कितने मैचेस खेलेंगे। इन्होंने कहा कि इब्तदाई सालों के दौरान मैंने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेली, लेकिन फिर भी एवन मॉर्गन ने वाइट बॉल की कप्तानी संभाली तो वो वक्त बहुत अच्छा था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा बेहतर है। उनका कहना था कि मैं अब भी इंग्लैंड की नुमाइंदगी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे हकीकत पसंद बनना होगा और ये तकसलीम करना होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हूँ और टीम को आगे बढ़ना होगा। मोइन अली ने कहा कि लोग अक्सर भूल जाते हैं कि आपने क्या किरदार अदा किया। बज़ाहिर 20 या 30 रन कम हो सकते हैं, लेकिन इन 30 या 20 रन ने मैचेस को तब्दील किया। जब तक मुझे लगा कि लोग मुझे खेलता हुआ देखना चाहते हैं, मैं खेलता रहा और खुश था। ख्याल रहे, मोइन अली फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते रहेंगे और इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में कोचिंग की जिम्मेदारियां निभाएंगे। इन्होंने कहा कि वो थोड़ी बहुत फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं कोचिंग करना चाहूँगा और एक बेहतरीन कोच बनना चाहता हूँ। उनका कहना था कि मुझे न्यूजीलैंड के साबिक कप्तान और इंग्लैंड के हालिया कोच ब्रेंडन मैकॉलम से बहुत कुछ सीखना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे याद रखेंगे। वाज़ह रहे, मोइन अली इस वक्त कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी CPL खेलने की तैयारी कर रहे हैं, जहां इन्होंने दिफाई चैंपियन गियाना अमेज़न वॉरियर्स के मुतबादल खिलाड़ी के तौर पर साइन अप किया है। अपने करियर के बेहतरीन लम्हात से मुतालिक इन्होंने कहा कि टी20 और वनडे वर्ल्ड कप जीतने के अलावा एशेज सीरीज यादगार लम्हात में शामिल हैं, जबकि इनफरादी कारकर्दगी की बात करूंगा तो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट हीट ट्रक और 2022 में जनूबी अफ्रीका के ही खिलाफ टी20 में इंग्लैंड की जानिब से तेज तरीन निफ सेंचुरी शामिल है। वाज़े रहे कि मोइन अली इससे कबल टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके थे, तहम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें दोबारा टेस्ट खेलने पर आमादा कर लिया था।